Once more, you will sing with me the swing. How do you like to go up in a swing? Up in the air so blue, oh, I do think it is the pleasantest thing. Even a child can do. Up in the air and over the wall, till I can see so white. Rivers and trees and cattle and all, over the country side. Till I look down on the garden green, down on the roof so brown. Up in the air, I go flying again, up in the air and down. This is your poem. And now, this is your comprehension checker. This is your exercise. Now, first question is comprehension. Check the correct answer. Now, this is MCQ, multiple choice question. Here, look. यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, जो राइट आंसर है उसको चूज करना है और फील करना है. सो लेट्स सी. द पोएट थिंग दैट गिवन अप इन द एयर इज द नाइसेस्ट नाइस थिंग. ओके, दिस इज बी इन द एयर. ओके, now second, the swing goes up in the air and over the wall. Now this is A, over the wall. And now third, the color of the roof is brown. Answer B, brown. यहाँ मैं बता दूँ, तीन तीन ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं. जो राइट आंसर है, ऑप्शन है, उसी को मैंने लिखा हुआ है. आप बुक से देख सकते हैं, समझ सकते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी. कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ द फॉलोइंग वर्ड्स. ओके, यहां पोएम का पैराग्राफ ही है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पोएम याद करना होगा अच्छे से. ओके, पोएम मैंने वीडियो में भी दिया हुआ है, आपके बुक में भी अवेलेबल है. इसको आप अच्छे से याद करेंगे तो ही इसको अच्छे से कर सकते हैं, आसानी से. अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल, यहां बॉक्स दिया हुआ है, वर्ड है 1 2 3 4, चार वर्ड दिए हुए हैं, फिल द ब्लैंक्स है, उसमें आपको भरना है. ओके, अप इन द एयर, एयर एंड ओवर द वॉल, टिल आई कैन सी सो वाइट. नेक्स्ट, रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल, ओवर द कंट्री साइड. ओके, यहां मैंने फिलअप कर दिया हुआ है, नीचे अंडरलाइन है, वो आपका फिलअप, ये फिलअप है, वो आंसर है, उसको आप समझ सकते हैं. ओके, नाउ नंबर सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. देयर आर थ्री क्वेश्चन है. क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा हुआ है, ओनली आंसर लिखा हुआ है. क्वेश्चन मैं पढ़ता रहा हूं. व्हाट डज द चाइल्ड सी व्हेन ही इज अप इन द स्विंग, यानी कि जब झूले में हम झूलते हुए ऊपर जाते हैं तो क्या देखते हैं. द चाइल्ड सी स्काई सो ब्लू सो वाइट, रिवर्स ट्रीज कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड. क्या देखता है, ऊपर जाता है तो आकाश नीला बहुत फैला हुआ भाग, नदियां, पेड़, मवेशी, जीव जंतु एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड, और बहुत कुछ ग्रामीण क्षेत्र में. ये आपको बताना है. Answer, question number second is this, what do you think this poem is about? What do you think this poem is about? Means, आप poem को पढ़ करके क्या think करते हैं, क्या सोचते हैं? Then, I think that childhood homemade catenary, how much blessed who the point of. मतलब, कितना बचपन में झूले पर झूलना बड़ा ही आनंददायक बात होता है. यहाँ पर
यही बताया गया है। इस कविता को पढ़ने के बाद से हम यही सोचते हैं कि बचपन में झूला झूलते समय हमें बहुत ही आनंद आता था। ओके, नाउ दिस इज लास्ट क्वेश्चन। डू यू लाइक टू स्विंग हाई और डू यू लाइक टू सिट ऑन द स्विंग एंड बी पुश जेंटली? क्या आप झूले पर झूलना पसंद करेंगे करते हैं? डू यू लाइक टू सिट ऑन द स्विंग एंड पुश अप जेंटली? और क्या उसको पुश अप करके ऊपर जाना मतलब झूले पर झूलना पसंद करते हैं? यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, अच्छा लगता है झूला झूलना? ओके, यस, बिकॉज इट इज प्लेजेंटेस्ट थिंग। अच्छा लगता है क्योंकि यह एक बहुत ही आनंददायक मजेदार बात है झूले पर झूलना। ओके क्लियर, दिस इज योर कॉम्प्रिहेंशन चेकअप। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का ये क्वेश्चन आंसर है, आप इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ओके क्लियर, अंडरस्टैंड? ओके, आगे और भी है, ग्रामर पर्सन है, इसको मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ओके थैंक्स।